तो जब आप कर्बला के मैदान में पहुंचे तो आपके रास्ते में एक शेर बैठा हुआ दिखाई दिया जो आपका रास्ता रोके हुए बैठा था। तो आपने उससे सवाल किया कि क्यों तू रास्ता रोके हुए बैठा है? तो उसने कहा कि मैं आपको गुजरने नहीं दूंगा जब तक कातिले इमाम हुसैन यजीद मलून के ऊपर लानत न करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين जमीयत रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन किराम, हम ज़ियारत आशुरा की तशरीह और तफसीर आप हज़रात की खिदमत में बयान कर रहे हैं और हमने गुज़श्ता में मुख्तलिफ जुमलात की और फ़िक्रात की तशरीह आप हज़रात की खिदमत में बयान की। आज हम पहुँचे हैं इस फ़िक्र के ऊपर कि जिसमें बयान हुआ है अस्सलामु अलैका व अलल अरवाहि अल्लती हलत बिफ़नाए, कि सलाम हो आप पर और उन अरवाह पर कि जो आपके बारगाह में वारिद हैं। अब यहाँ पर चूंकि अस्सलामु अलैका में फिर खिताब किया गया है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कि आप पर सलाम हो और उन अरवाह पर, उन रूहों पर कि जो आपके बारगाह में वारिद हैं। इस सिलसिले में कि वो कौन सी अरवाह हैं कि जो आपकी बारगाह में वारिद हुई है, मुतअद्दिद और मुख्तलिफ एहतमालात हैं, जिनमें से एक एहतमाल ये है कि वो मलाइका हैं कि जो शब रोज आपके बारगाह में हाजिर रहती हैं और आपकी जरिए मुकद्दस का तवाफ करती रहती हैं, गिरिया उजारी करती रहती हैं। एक हदीस के मुताबिक हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि 4000 मलाइका शब रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए मुबारक और कब्र मुबारक के तवाफ करते रहते हैं और गिरिया करते रहते हैं। और दूसरा एहतमाल यह है कि यहाँ पर मुराद मोमिनीन व मोमिनात हो, आपके मुहिब्बीन हो कि जो हमेशा आपकी जियारत के लिए जाते रहते हैं, दूर दराज का सफर करते हैं, नजदीक और दूर दोनों से सफर करते हैं और आपकी जियारत से मुशर्रफ होते हैं और आपकी जरी का तवाफ करते रहते हैं। और एक तीसरा एहतमाल यह है कि उन अरवाह से मुराद के जो आपकी बारगाह में वारिद हुई है, उससे मुराद आपके अस्हाब व अंसार हों कि जो आपके साथ कर्बला के मैदान में शहीद हुए हैं। ये तीन एहतमाल। अभी हम यहां पर सबसे पहले इस रूह के माना करते हैं कि रूह के माना क्या है, क्यों रूह को रूह कहा जाता है। रूह के माना पाकीजा, तैयब व ताहिर, पाकीजगी। इंसानी रूह को भी रूह इस वजह से कहा जाता है कि वो आलूदा होने से पहले असल खिलकत में पाको पाकीजा होती है, उसमें किसी तरीके की कोई कसाफत और गंदगी नहीं आती। ये बाद में है, इंसान बड़ा होता है और गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है तो उसकी रूह कसीफ हो जाती है, वरना फितरी तौर पर इंसान की रूह पाको पाकीजा, इसी वजह से इंसान की रूह को रूह कहा जाता है और मलाइका को भी रूह कहा जाता है। रूहुल कुदुस जनाब जिब्राइल का एक लकब है और हर पाकीजा जगह को रूहानी जगह कहा जाता है, इसी वजह से रूहानी कहा जाता है, यानी उसमें पाकीजगी है। पाकीजा शय को रूह कहा जाता है, रूहानी कहा जाता है। ये तमाम रूह के माना है। इस फिक्रे में एक लफ्ज आया हल्लत बिफनाएक। इस हल्ला योहिल्लो के माना क्या है? हल्ला योहिल्लो के माना है नाजिल होना, वारिद होना, किसी जगह के ऊपर आना। तो गोया सलाम हो उन अरवाह पर, सलाम हो आप पर और उन अरवाह पर कि जो आपकी बारगाह में नाजिल हुई, वारिद हुई। और
एक एहतमाल के बिना पर बाज लोगों ने इस चीज की तरफ भी इशारा किया है कि गुज़िश्ता अंबिया भी करबला में वारिद हुए हैं, उनका गुजर भी करबला में हुआ है। इसी वजह से उलमाए किराम ने ज़ियारत आशूरा की तशरीह में इस चीज की तरफ इशारा किया है कि कौन कौन से अंबिया करबला के मैदान में पहुंचे हैं और क्या क्या हालात उनके रुनुमा हुए हैं, उसकी तरफ इशारा किया है। हम भी मुख्तसर तौर पर चंद अंबिया का जिक्र करते हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी कि जब उनकी तौबा कबूल हुई और जनाब जिब्राइल ने पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के अस्माए गिरामी तालीम किए, तो जब जनाब जिब्राइल ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो एक मरतबा जनाब आदम अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उन्होंने सवाल किया है जिब्राइल, ये किसका नाम है कि जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल टूट गया। तो आपने फरमाया ये हुसैन का नाम है कि जिसे करबला के मैदान में कत्ल किया जाएगा, जिसको प्यासा शहीद किया जाएगा, जिसको पसे गर्दन से गला काटा जाएगा, जिसके अहले आरम को असीर कर लिया जाएगा। तो ये सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाब जिब्राइल उस मां की तरह रोए जिसका बेटा मर जाता है, यानी बहुत ज्यादा गिरिया किया। ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुजरा कि उन्होंने भी करबला का तस्करा किया और करबला का नाम सुनकर गिरिया किया, आंसू बहाए। और इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का गुजर भी करबला के मैदान से हुआ कि जब आपकी कश्ती सैर करते हुए करबला के मैदान में पहुंची तो एक मर्तबा कश्ती को झटके आने लगे, कश्ती डगमगाने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खौफजदा हुए कि कहीं कश्ती डूब ना जाए, गर्क ना हो जाए। और उसी वक्त बारगाह खुदावंदी मर्ज की, परवरदिगार इस कश्ती ने पूरी दुनिया की सैर की लेकिन जब इस मकाम पर आई है तो ये कश्ती डगमगा रही है, क्या वजह है? तो आपको जवाब दिया गया कि यहां पर खातमुल अंबिया का नवासा कत्ल किया जाएगा, हुसैन शहीद किए जाएंगे। तो आपने सवाल किया कौन उनको कत्ल करेगा, तो आवाज आई कि जिस पर सातों जमीन और आसमान के रहने वाले लानत करेंगे। यह सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल पर लानत की, चार मरतबा लानत की, और फिर कश्ती वहां से आराम से गुजर गई। इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मिलता है कि जब आप अपने बिसात पे बैठकर हवा के दोष पर सफर कर रहे थे तो एक मरतबा जब वादिये करबला से गुजर हुआ तो एक मरतबा आपकी बसात तीन मरतबा लिपट गई और करीब था कि आप गिर जाते। तो आपने उस मौके के ऊपर हवा से सवाल किया कि क्या हुआ तुझे, क्यों ऐसा किया तूने? तो एक मरतबा हवा ने जवाब दिया, ये सरजमीन करबला है जिस पर हुसैन कत्ल किए जाएंगे। हजरत सुलेमान ने सवाल किया कि ये हुसैन कौन है? तो हवा ने आवाज दी, आखिरी नबी का नवासा और हैदर कर्रार का बेटा है। आपने सवाल किया कि इनका कातिल कौन होगा, तो जवाब मिला यजीद बिन माविया। उस मौके के ऊपर आपने भी कातिल इमाम हुसैन यजीद के ऊपर लानत की और तमाम जिन्नों इंस ने आमीन कहा और फिर आपकी बसात वहां से रवाना हो गई जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो गोया हजरत नूह भी करबला में वारिद हुए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी करबला में वारिद हुए, और इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब आपका गुजर करबला की तरफ से हुआ तो जब करबला में पहुंचे तो आपका दिल घबराया और आप इतनी घबराहट में मुब्तला हुए कि आप जमीन पर गिर गए और आपके सर में चोट लगी और आपके सर से खून बहने लगा। तो आपने अपनी जबान से इस्तग़फ़ार किया और खुदा की बारगाह में
हाथ उठाए, परवरदिगार क्या मुझसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, क्या कोई खता हो गई है? तो जनाब जिब्राइल ने आवाज दी, नहीं बल्कि इस सरजमीन पर खातमुल अंबिया का नवासा शहीद किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा और उसका खून बहाया जाएगा और आपका खून उन्हीं के खून की मुआफकत के लिए बहा है। यह सुनने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी आपके कातिलों पे लानत की। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गुजर भी करबला से हुआ और आप करबला में वारिद हुए। इसी तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि आप यूशा बिन नून के साथ करबला की तरफ से गुजरे और जब आप करबला में पहुंचे तो आपके जूते का बंद टूट गया और आपके पैर में कांटा चुभा और खून निकला। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खुदा के बारगाह में उसकी परवरदिगार क्या मुझसे कोई खता हो गई है, गुनाह हो गया है कि जिसकी वजह से मैं इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ हूं? तो खिताब हुआ कि नहीं, तुमसे कोई गुनाह और खता सरजद नहीं हुई है, बल्कि कि इस सरजमीन पर हुसैन का खून बहाया जाएगा। तो आपने सवाल किया, ये हुसैन कौन है? तो जवाब आया कि वो मोहम्मद का नवासा और अली मुर्तजा का बेटा होगा। आपने सवाल किया, इसका कातिल कौन होगा? कहा कि इसका कातिल वो होगा कि जिसके ऊपर दरियाओं की मछलियां, फिजाओं के परिंदे और चरिंदे और हत्ता दरिंदे भी लानत करेंगे। तो ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों पर लानत की। और इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी मिलता है कि आप अपने हवारियों के साथ करबला के मैदान से गुजरे, तो जब आप करबला के मैदान में पहुंचे तो आपके रास्ते में एक शेर बैठा हुआ दिखाई दिया जो आपका रास्ता रोके हुए बैठा था। तो आपने उससे सवाल किया कि क्यों तू रास्ता रोके हुए बैठा है? तो उसने कहा कि मैं आपको गुजरने नहीं दूंगा जब तक कातिले इमाम हुसैन यजीद मलून के ऊपर लानत न करेंगे, जिसके ऊपर चरिंदो परिंद और तमाम दरिंदे और तमाम मखलूकात लानत करेंगे। चुनांचे ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने हाथों को उठाया और यजीद के ऊपर लानत की। और जब आप कातिले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के ऊपर लानत कर चुके तो वो शेर रास्ते से हटा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे। तो ये तमाम वो अंबिया थे कि जो करबला के मैदान से गुजरे हैं, करबला में वारिद हुए हैं, करबला में पहुंचे हैं। एक एहतमाल के बिना पर यह भी बयान किया जाता है कि इस फिक्रे में जिन अरवाहों का तस्करा किया गया है उनमें अंबियाए गुज़श्ता हैं कि जिनमें हजरत आदम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये तमाम अंबिया करबला के मैदान से गुजरे। बहरहाल इस जुमले में चंद एक एहतमालात हैं कि वो अरवाह के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में वारिद हुई है वो मुख्तलिफ एहतमालात हैं। एक एहतमाल के बिना पर मलाइका हैं, एक एहतमाल के बिना पर आपके असहाब हैं, एक एहतमाल के बिना पर तमाम मोमिनीन मोमिनात जो ज्यारत के लिए जाते हैं वो मुराद है, और एक एहतमाल के बिना पर गुज़िश्ता अंबिया कराम हैं कि जो करबला के मैदान में हुए। बहरहाल जो भी एहतमाल मुराद है, हमारा दुरूद व सलाम हो उनके ऊपर कि जो करबला के मैदान से गुजरे और करबला के मैदान में आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरियाउजारी की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत को वाजे किया। लिहाजा हम उनके ऊपर दुरूद व सलाम भेजते हैं। इंशाअल्लाह बाद वाला फिक्रा कि अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बकीत व बकिया लैल व नहार, इसको इंशाअल्लाह कल हम आप हजरात की खिदमत में पेश करेंगे। चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है लिहाजा यहीं पर इक्तफा करते हैं। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.